नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरिशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर कौशाम्बी से है, जहां एक तरफ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार कौशाम्बी के गांव की दिशा दशा सुधारने के लिए हर महीने जनपद का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही गृह तहसील में आने वाले ग्राम पंचायत कोखराज के ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी भ्रष्टाचार की चाशनी में पूरी तरह से डूब कर उनकी साख पर बट्टा लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कोखराज के मजरा शैदलीपुर में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। हैंडपंप रूपी बोर और मरम्मत के नाम पर लाखों का बजट डकारने के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा न तो दीबोर कराया गया है और न ही खराब होने पर हैंडपंप की मरम्मत कराई जा रही है, जिसके चलते उन्हें पीने के पानी के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि इंटरलॉकिंग खड़ंजा और नाली निर्माण के लिए प्रधान द्वारा बजट निकाल लिया गया है, किंतु अब तक स्थिति वैसी की वैसी है। साथ ही स्ट्रीट लाइट के नाम पर भारी भरकम बजट निकाले जाने के बावजूद आज तक उनके गांव में कहीं भी मौजूदा ग्राम प्रधान द्वारा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों की माने तो बड़े पैमाने पर हुए इस भ्रष्टाचार में आखिर कौन जिम्मेदार है? आखिर कब सरकारी धन का बंदरबांट करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जिम्मेदार अधिकारी अंकुश लगाएंगे? क्या समस्या है आपकी? हमको समस्या है साहब, आने जाने के रास्ता नहीं है, पानी में आते हैं और कोई रास्ता नहीं, कीचड़ कांटे में आते जाते हैं, कोई विकास नहीं आता, क्योंकि मैं विकलांग आदमी भी हूँ, इसके अलावा मेरी कॉलोनी भी नहीं आती, ना मुझको कोई कुछ मिलता है, बोलते हैं आऊँगा देखूँगा, बच्चे कोई आता नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा पानी निकासी का है, जल निकासी नहीं हो पाती, कीचड़ भरा रहता है। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल, समस्या है आपकी? अरे समस्या साहब ये है कि ना नाली है और ना खरिंजा है, और बम्बा जो हवा है बम्बा में सब कोई मिल बटोर के हम लोग बनवा लेते हैं, इसको वो नहीं सुनते हैं प्रधान जी। और फिर मैं सैदलीपुर के ग्राम में सदस्य हूँ और मुझसे नहीं पूछे कभी, अपने से दस्तखत करके अंगूठा करके पैसा पास कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, हमको नहीं पूछते। ना मेरे गाँव में वहाँ सैदलीपुर में कोई मीटिंग नहीं भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब अदालती है। क्या समस्या है भैया आपकी? समस्या यही है बादशाह साहब की कॉलोनी आई है और पैसा हमसे 10,000 रुपया लिए। किसने लिया था? शेरू लिए थे। तो शेरू ने क्यों लिया पैसा? ग्राम प्रधान कौन है यहाँ के? ग्राम प्रधान प्रधान हुआ क्या है चमरूपुर के। क्या नाम है उनका? रमेश कुमार। तो रमेश कुमार ने पैसा लिया या शेरू ने लिया? नहीं शेरू लिए। शेरू ने क्यों पैसा लिया आपसे? भाई लिए, अब जब वो आते हैं वही सब देखभाल करते हैं, प्रधान आते नहीं यहाँ देखने के लिए, तो वही प्रधान है। अच्छा, प्रधान जी यहाँ कभी आते नहीं, नहीं है गांव में? नहीं, उनका कार्यभार शेरू देखते हैं। कितना पैसा लिया गया आपसे? हमसे 10,000। कब दिया था पैसे आवास आने के बाद? हाँ। क्या नाम है आपका? मान सिंह। क्या समस्या है आपकी? हमारे ग्राम में तो समस्या ही समस्या है, बहुत सी समस्या है, क्या क्या बताएं आपको। जैसे रास्ता हो गया, पानी की समस्या है, सबसे ज़्यादा पानी है और रास्ता। मान लो कोई बीमार हो जाए या दुख तकलीफ पड़ जाए, ना कहीं आने की रास्ता है ना जाने की रास्ता है भाई, हर रास्ते रास्ता। तो रास्ता का ऐसा पैसा निकाल लिए, सुन रहे हैं हम, कागजों पर निकल गया, यहाँ रास्ता ज़मीनी स्तर पर कोई काम ही नहीं है। और आपके हीरा के घर से रोशन के घर तक के हमने ये सुना कि यहाँ का पैसा निकल चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, ना यहाँ ग्राम प्रधान आता है, ना कोई आता है, ना कभी सिंगरेटरी आते हैं। और हैंडपम्प का भी हमारे रिबोर का एक हमारा खुद का रिबोर है, पवन कुमार के नाम से आया, पैसा पूरा निकाल लिए और उसमें आज तक रिबोर भी नहीं हुआ है। और हमारी एक आवाज़ थी, हमसे प्रधान ने कागज़ मांगा था, कागज़ मांगने के बाद हमसे पैसे की मांग किया, तो पैसे का हमने बोला पैसा भाई हम नहीं देंगे, तो कहाँ 20,000 रुपये देना पड़ेगा आपको, तो 20,000 रुपये देने के तो पैसा हमने कहा नहीं दिया, जो कि हमारे पात्र है, आप आके देख सकते हैं, माले दिखवा सकते हैं, कहीं कोई अगर बता दे कि हाँ हम पात्र लायक नहीं है तो हमारा नाम कटवा देते, लेकिन हमारा नाम ऐसे ही कटवा दिया गया। भाई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, पानी दो हैंडपाइप है सरकारी, दो में एक तो हमारा वाला बता ही चुके बिगड़ा हुआ है, और एक है उसमें भी बनवाने उनमाने कोई पैसा वैसा जैसे बनना हुआ तो अपने पैसा लगा के बनवा ले, वो कभी बनवाने का पैसा भी नहीं देते हैं। और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को दूसरे ग्राम सभा से पानी लाना पड़ता है,
और जो नल भी लगा है, टोटी वाला भी लगा है, वो भी पानी नहीं आता है। और स्ट्रीट लाइट का भी सुन रहे हैं कि लग गया है, लेकिन यहाँ हमारे सैदलीपुर में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार श्रीवास्तव, ग्राम सैदलीपुर। क्या समस्या है भैया आपकी? हमारा समस्या है भैया कि गांव में कोई रास्ता नहीं आने के लिए, जब हमारे बहन बेटों का शादी ब्याह होता है तो वहाँ रोड पर से वहाँ से उतर के सबने उतारी आते हैं, और वहाँ से बिटिया बहन का ब्याह करके वहाँ से विदा करते हैं। यहाँ रोड की कोई सुविधाएँ नहीं है, और इधर का ना पानी का कोई सुविधाएँ है, जो भी है बना बिगड़ा है, सब कोई बनवाने का कोई सुन नहीं रहा है, और लाइट भी आते हैं जो बन गई है दुष्परवर्ती हो गया, कोई सुनाई नहीं है कि न एक भी लाइट नहीं लगी हुई, सगल अंधेरा अंधेरा रहता है, सुबह शाम भी रहता है अंधेरा, लाइट जो है वो भी नहीं रहता। और यहाँ जो है हमारे न नाली का है न खड़िंजा का है, सब एकदम बेकार हुआ है, और जो भी कहते हैं प्रधान ले जाते हैं तो कहते हैं हम करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और कुछ भी कर नहीं रहे हैं। सब एकदम कहते हैं हम बनवा डालेंगे, और हम करवा लिए हैं, पैसा आ भी गया है, और बनवा नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम सुमेर। कौशाम्बी से नवनीत सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।